हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के 19 मार्च के सेकंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन के पेपर। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्योंकि इसके बारे में सब लोग अवेयर हैं कि हु वॉज द रनर अप ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। जो इस बार 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है उसके उप विजेता कौन रहे हैं। तो आपको पता है कि न्यूजीलैंड, ठीक है, इंग्लैंड उसका विनर था वर्ल्ड कप 2019 का, और न्यूजीलैंड जो है ये आपका रनर अप था। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि इस बार जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कल भी आपसे पूछा गया था वर्ल्ड कप से रिलेटेड, और आज भी जो है पूछा गया है कि रनर अप कौन है क्रिकेट वर्ल्ड कप के। तो इसका आंसर हो गया न्यूजीलैंड। तो जितने भी नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें, क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। एक थोड़ा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर इन तिब्बत। अब तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या कहते हैं, उसका नाम बताइए। तो ऑब्वियसली थोड़ा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको बोलते हैं सांगपो। ठीक है, कि ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो सांगपो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड पद्म विभूषण अवार्ड। कितने लोगों को पद्म विभूषण जो है अवार्ड मिला है 2019 में, तो ये मिला है चार लोगों को। ठीक है, चार लोगों को मिला है ये क्वेश्चन। कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल जो है ये कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, कल ही शायद मैंने ये करवाया था, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सबको पता ही होगा। उसके बाद सालसेट आइलैंड सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सालसेट आइलैंड जो है ये किस कौन से स्टेट में है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ओके, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोलते हैं हमेशा कि इसको पढ़ के जाना है कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है और वो किस गेम से संबंधित है, किस स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो यहाँ पूछा गया है जीतू राय इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, तो इसका आंसर क्या होगा, शूटिंग हो जाएगा इसका आंसर। लावनी डांस, देखिए डांस फॉर्म से आए हैं क्वेश्चन के लावनी डांस, तो ये हालांकि बहुत कॉमन डांस फॉर्म है, सब लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र का है लावनी डांस। अब देखिए कल क्वेश्चन आया था इससे, इस टॉपिक से, कि कंस्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में कितने सीट्स होते हैं, ये आपको कल भी पूछा गया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश होता। तुरंत मैंने एक पीडीएफ आपको दे दिया कि नहीं इसको आप पढ़ लीजिए। आज फिर आपसे पूछ दिया है कि जो है राजस्थान में लोकसभा का कितना सीट है, तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पीडीएफ पढ़ा होगा, आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और नहीं देखें तो वीडियोस को एक बार वापस से देख लीजिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को। 25th है आपका राजस्थान में लोकसभा सीट। फिर देखिए नबार्ड आपसे पूछा है कि नबार्ड जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, तो 12 जुलाई 1982। अभी मैंने आपको दिया है फिफ्थ ईयर प्लान वाला एक वीडियो, ठीक है, उसमें आपको मैंने ये बोला था कि इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो भी टॉपिक्स आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो आपको खुद से भी मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, टॉपिक्स मैं आपको कलेक्ट करके दे रहा हूँ, उस टॉपिक को कवर करना जिम्मेवारी आपकी भी है और मेरी भी है, और मैं कर भी रहा हूँ अपने ढंग से बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, तो 12 जुलाई 1982 हो गया। एक क्वेश्चन देखिए कैसा आया हुआ, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये कहाँ सिचुएटेड है, तो कन्याकुमारी इसका आंसर होगा। अभी नाइट में एक वीडियोस बनाएंगे मिसलेनियस पे, ठीक है, 50 मिसलेनियस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, उसमें मैं ये सब टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि किसने साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 हिंदी के लिए किसको मिला है, तो नंद किशोर आचार्य को मिला है, और ये क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स में मैंने करवाए हैं। उसके बाद आपको दूध सागर फॉल जो है ये आपको किस स्टेट में लोकेटेड है, तो गोवा हो जाएगा। ठीक, तो दूध सागर फॉल कहाँ लोकेटेड है, तो गोवा में हो जाएगा इसका आंसर, तो फॉल वाले भी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रोवर्स कप जो है ये कब स्टार्ट हुआ। रोवर्स कप वैसे तो होता है फुटबॉल से, और ये जो स्टार्ट है 1891 में हुआ था, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को तो रोवर्स कप क्या होते हैं यही नहीं पता हुआ, और उसके बाद क्वेश्चन क्या आया कि स्टार्ट कब हुआ, तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा ये चीज़ जानना, तो 1891 आंसर आपका हो जाएगा।
ओके, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस सीएचएसएल के। आपको क्वेश्चंस देख के समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट शिफ्ट वाले जो भी लोग भी देख रहे हैं, मेन पर्पस यही है क्वेश्चंस दिखाने का जो क्वेश्चंस आए हैं, कि आपको टॉपिक्स मिले और उस टॉपिक को आप उसके पीछे पढ़िए। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।